जाने माने निवेशक मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के 1 मिलियन से ज्यादा तरीके हैं, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा तरीकों से लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पे इतना पैसा है जितना कि गंगा में पानी नहीं है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो बहुत ही शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए है, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं और ज्यादा लंबा वेट नहीं करना चाहते हैं, केवल कुछ ही मिनट के अंदर ही स्केल्पिंग करते रहते हैं बार बार ट्रेड करके अप्स एंड डाउन्स। तो ये स्ट्रेटजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही सटीक काम करती है और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। हमने हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स और फ्यूचर्स कमोडिटी आदि में इसका बैक टेस्ट करके देखा है और जो इसके रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिले। मैं आपको पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा और केवल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेट करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग टूल समझ लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से ट्रेडिंग टूल्स यूज करने वाले हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रो विथ मनी। तो आज का हमारा पहला इंडिकेटर है हल स्वीट इंडिकेटर HULL, ठीक है, ये आ गया है हल स्वीट, इस पे क्लिक कर दिया है तो हमारा पहला इंडिकेटर फुल स्वीट इंडिकेटर इसमें ऐड हो चुका है। हमने ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लिया है, याद रखें। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ये इसका बैंड दिखाई दे रहा है तो इसको बैंड के फॉर्मेट में ना करते हुए यहाँ से इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बैंड एक लाइन के फॉर्मेट में आ गया। देखिए इसमें ग्रीन और रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा इंडिकेटर है फुल स्वीट इंडिकेटर, हल स्वीट इंडिकेटर जो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में। तो ये देखिए और बड़ा चार्ट करके देखेंगे, 1 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये लाइंस के रूप में हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ से जैसे ये कलर चेंज हुआ, रेड के बाद ये ग्रीन कलर का चेंज हुआ तो अपवर्ड डाउन, और यहाँ से ये रेड कलर का हुआ तो डाउनवर्ड आने लगा। तो पूरी इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम आगे देख वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम इस पे दूसरा इंडिकेटर ऐड करते हैं LSMA, लिस्ट लिस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए दूसरा इंडिकेटर हमारा ऐड हो चुका है बाय डिफॉल्ट इसमें LSMA में। देखिए ये जो लाइन है ये बाय डिफॉल्ट शायद किसी की में येलो कलर या दूसरे कलर में आ सकती है, तो ये ऑरेंज कलर की लाइन हम सेट कर देंगे इसके लिए, थोड़ा सा चेंज करके LSMA में भी। ओके, अब ये हमारा इंडिकेटर परफेक्टली ऐड हो चुके हैं। तो अब हम कंप्लीट ट्रेडिंग रूल समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्क करती है। तो देखिए इस पॉइंट पे आके जहां पे ये हमारा LSM इंडिकेटर है, इसकी जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो क्रॉस करती है फुल स्वीट इंडिकेटर की जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ पे इस ये पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये दोनों इंडिकेटर आपस में क्रॉस हुए, और दूसरा तो वहां पे एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा जब LSMA की लाइन हल स्वीट इंडिकेटर की लाइन को क्रॉस करेगी, हल स्वीट इंडिकेटर को, तो वहां पे हमारा एक बाय सिग्नल होगा एक तरह से कि बाय का इंडिकेट कर रहा है, मार्केट ने हमें बाय इंडिकेट किया है। दूसरा इस ट्रेड को कंफर्म करने के लिए एक ऊपर में बुलिश कैंडल होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन हमारी बाइंग के लिए फुलफिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्रॉस होगा लॉन्ग पोजीशन, ये हमारी बाइंग रहेगी, और इसका स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो करंट स्विंग लो होगा वहीं पे आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस को इसके नीचे रखेंगे हम करंट स्विंग लो, और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:2:2, ये हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो हो गया है। तो अब देखते हैं इस ट्रेड ने किस तरह परफॉर्म किया है।
और किस तरह के रिजल्ट देखने को मिले। ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, याद रखें केवल 1 मिनट का चार्ट है। इसमें स्टॉप 1 मिनट का चार्ट हमने इसलिए लिया है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे होंगे। देखिए केवल कुछ ही रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा लेकिन अमेजिंग टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए ट्रेड रनिंग वेल चल रहा है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली यहाँ पे हिट कर दिया है केवल कुछ ही मिनट के अंदर। ये 1 मिनट की स्ट्रेटेजी है तो केवल कुछ ही मिनट के अंदर टारगेट को कम्प्लीटली हिट कर दिया है। अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कोई सेल ट्रेड पे भी देखेंगे और दूसरी ट्रेड्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम अपनी सेल पोजिशन के रूल भी समझ लेते हैं कि सेल पोजिशन अगर लेनी है तो किस तरह से हमें देखना है उसको और स्ट्रेटेजी को। देखिए इस केस में जहां LSM इंडिकेटर हलसुट इंडिकेटर को क्रॉस करे नीचे की तरफ, यानी LSM नीचे की तरफ आए और हलसुट का जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर की तरफ क्रॉस हो तो पहली कंडीशन हमारी मैच हो गई। दूसरा जो हलसुट इंडिकेटर है उसकी जो ग्रीन लाइन होनी चाहिए उसमें रेड और ग्रीन दो तरह की लाइन बनी। देखिए यहाँ पर रेड है, ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन लाइन होना चाहिए, यानी कि LSM ग्रीन लाइन को ही क्रॉस करे, दो कंडीशन मैच हो गई। थर्ड कंडीशन हमारी होगी कि ये क्रॉस करते समय ये जो कैंडल है वो इन क्रॉस लाइन के नीचे हो और रेड कलर की हो। तो यहाँ पे आके हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। देखिए इस कंडीशन पे हमारी कंडीशन मैच हो गई तीनों और स्टॉप लॉस वही करंट स्विंग हाई के ऊपर रखना है और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 अभी 1:1 का है और इसको 1:2 का हम देखिए ये करंट स्विंग हाई का 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखेंगे। इसको कई बार हम इसको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बढ़ा भी सकते हैं अगर मार्केट का ट्रेंड आपके ट्रेंड के तरफ ही है तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमने इस ट्रेड के लिए देखते हैं, देखिए हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। यहाँ पे आके हमारे मार्केट ने कम्प्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। अभी इसमें और भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर हम पोजीशन को थोड़ी देर और होल्ड करें। देखिए अगर इस केस में हम देखें तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 का भी हो चुका है। तो अभी हमने देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आज तक आपने कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं देखी होगी जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इतनी स्मार्टली काम करे। और देखिए कितने शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। 1:5 का भी रिस्क रिवार्ड रेशो अचीव हो चुका है एक सिर्फ 1 मिनट के छोटे से स्टॉप लॉस के बेसिस पे हमने ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इससे अच्छा स्ट्रेटेजी मैंने अभी तक मार्केट में नहीं देखी है। अगर आपने ये एक स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर ली है और पूरी अंडरस्टैंडिंग इसमें एक मास्टरी हासिल कर दी है तो आप यकीन मानिए इंट्राडे ट्रेड्स का आपका प्रॉफिट कई मोर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हमने निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर पे इसको देखा है, अब किसी स्टॉक फ्यूचर पे या कमोडिटी पे भी इसका यूज करके हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। अभी हमने गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट लिया है गोल्ड फ्यूचर का, इस पे भी हम एक बार इस स्ट्रेटेजी को लगा के देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट देखने को मिले अगर गोल्ड में हम इसको ट्राई करें। देखिए यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन मैच हो रही हैं, जब LSM इंडिकेटर क्रॉस कर रहा है फुल सीट इंडिकेटर को और दूसरा फुल सीट जो इंडिकेटर है उसकी जो लाइन है वो रेड कलर की है, दो कंडीशन हमारी मैच हो गई। और तीसरी ये लाइन के ऊपर है, इन क्रॉसिंग लाइन के ऊपर हमारी कैंडल बन रही है। अगर यही कैंडल नीचे की तरफ बने तो भले ही क्रॉस करें हम उसको सिंपली स्किप कर देंगे, वहां पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो हम इसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन है ग्रीन कलर की कैंडल है उस पर हम अपना लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करेंगे और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत ही छोटा रखना है हमको।
केवल यहाँ पे जो लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे रखना है और रिस्क एंड रिवार्ड स्विंग 1:2 का हो गया है। तो हम अब देखते हैं इस ट्रेड में किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस वक्त देखिए गोल्ड की प्राइस है 11,100, ठीक है। अब देखें 51,100 के आसपास रेट है। अब देखिए इतने छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना वास्तव में देखिए इतनी अमेजिंग स्ट्रेटेजी है। केवल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:4 का हो चुका है यहाँ पर। तो इसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो चूंकि अच्छा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 के मुकाबले हमें 4 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल रहा है तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी कही जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा टारगेट अचीव हुआ उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम तो एक सेल की सिग्नल आया है। सिंपली सेल सिग्नल के लिए क्या पहली स्ट्रेटजी, हमारा पहला रूल क्या है, ये LSM इंडिकेटर है नीचे की तरफ क्रॉस करे और दूसरा जो फुल स्वीट इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर की लाइन हो, तो दोनों कंडीशन हमारी मैच हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उसके नीचे जस्ट नीचे कैंडल होना चाहिए और रेड कलर की होना चाहिए। तीनों कंडीशन यहाँ पे सेल के लिए फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। पहले वाई पोजीशन ली उसकी तुरंत बाद ही यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस कैंडल पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन लेंगे और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो करंट स्विंग के हाई के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, करंट स्विंग जो हाई होगा उसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रहेगा हमारा 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हो चुका है। अब देखिए हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बढ़ा रखा है थोड़ा सा हमने, तो वेट भी करेंगे थोड़ी देर के लिए कि किस तरह के टारगेट। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ लोग तो तुरंत यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हम ले रहे हैं। देखिए मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली हिट कर दिया है यहाँ इस पॉइंट पे आ गए। तो हमने गोल्ड फ्यूचर में भी दो ट्रेड, एक लॉन्ग का एक शॉर्ट का लेके देखा, इससे पहले हमने इक्विटी मार्केट में देखा, तो दोनों में ही ये स्ट्रेटजी परफेक्टली वर्क कर रही है। इसी तरह अगर कुछ लोग क्रिप्टो में भी वर्क करते हैं तो क्रिप्टो में भी हम इसका यूज करके देखने वाले हैं। एक दो एग्जाम्पल हम क्रिप्टो का भी लेते हैं जिससे कि और आसानी से समझ में आ जाए। आजकल क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं, तो हमने एक बिटकॉइन का एग्जांपल लिया है। टाइम फ्रेम वही सेट किया हमने 1 मिनट का। अब देखते हैं, देखिए इस पॉइंट पे हमारी तीनों कंडीशन सेल के लिए फुलफिल हो रही हैं, जहां LSM नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है और दूसरा जो फुल स्वीट इंडिकेटर है वो उसकी लाइन ग्रीन कलर में है और नीचे की तरफ कैंडल है, तो तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेल के लिए फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे करंट स्विंग हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 या 3 का भी रख सकते हैं। तो ये हमने 1:3 का लिया है। अब देखते हैं 1:3 पे किस तरह वर्क करती है। देखिए मार्केट ने कुछ ही मिनट के अंदर हमारे टारगेट को कम्प्लीटली हिट कर दिया है। तो ये स्ट्रेटजी हमने 3-4 एग्जाम्पल के द्वारा देखा है, हर स्टॉक हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या फिर कमोडिटी फ्यूचर हो, सभी पे समान रूप से वर्क कर रही है। और हमने एक बहुत ही शॉर्ट टर्म 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेट किया। मैं बार बार जोर देके कह रहा हूँ, जो निवेशक बहुत ही जल्दी में ट्रेड करते हैं बहुत ही फास्ट होना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुरंत सिग्नल आएंगे, उसको वहीं पर ट्रेड करना है, अदरवाइज वो ट्रेड छूट जाएगा। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन्स को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।